आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थाना सिकंदरा पुलिस ने कारोबारी के यहां लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 6 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने मोबाइल फोन सहित तमंचा व बाइक बरामद की है। सिकंदरा पुलिस ने एक बड़ी वारदात होने से बचा ली। दबा कारोबारी को लूटने जा रहे 6 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा और उनके पास से लूट के मोबाइल, बाइक और तमंचा बरामद कर लिया। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि थाना सिकंदरा के प्रभारी निरीक्षक कमलेश कुमार ने मुखबिर की सूचना पर सेक्टर 16 के पास फ्लाईओवर से आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सिकंदरा पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे ये पता चला कि वो लोग सिकंदरा थाना क्षेत्र में लूट करने के इरादे से, एक व्यापारी के पास से पैसे लूट करने के इरादे से आए थे और उन्होंने 2 दिन इसका प्रयास किया, लेकिन पुलिस की गश्त को देखकर वो ये कार्य नहीं कर पाए। चेकिंग के दौरान पकड़े गए बदमाश योगेंद्र चौहान निवासी मनोना पिनाहट, रविंद्र तोमर पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी बाईपुर सिकंदरा, गीतम सिंह पुत्र थान सिंह निवासी दीगी राजाखेड़ा धौलपुर, ओम प्रकाश पुत्र राजनाथ सिंह निवासी कल्याणपुरा पिनाहट, अजय पुत्र घनश्याम निवासी राजाखेड़ा और तरुण गौतम पुत्र सतीश निवासी बचगांव थाना नारखी फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। और दूसरे दिन जब वो जा रहे थे, वो लूट नहीं कर पाए, लौट रहे थे तो एक व्यक्ति का मोबाइल छीन कर चले गए और उसी दरमियान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके पास से पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल, जिसमें 2 मोटरसाइकिल चोरी की थी, 4 मोबाइल फ़ोन जो कि लूटे हुए थे, 1 तमंचा, 1 कारतूस और 7460 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में योगेंद्र चौहान बदमाश ने बताया कि कंचल मेडिकल कंपनी के व्यापारी को लूटने की योजना 2 दिन पहले से बनाई जा रही थी। योगेंद्र ने 2 दिन पहले अपने साथियों को लूटपाट के लिए यहां बुलाया था। ये सभी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिलने पर चेकिंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि बदमाशों के पास से लूटे हुए 3 मोबाइल, 3 बाइक, तमंचा और 7000 रुपए मिले हैं। सभी को आवश्यक कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।